दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनर से संबंधित दो जरूरी अपडेट निकल कर आ रही हैं। आपको बताऊंगा दोनों ही अपडेट के बारे में पूरे डिटेल से। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं पहली अपडेट के बारे में। दोस्तों पहली अपडेट निकल कर आ रही है राष्ट्रीय संघ समिति उत्तर प्रदेश की तरफ से। आज दिनांक 19/10/2020 को राष्ट्रीय संघर्ष समिति रजडा के अध्यक्ष श्री धर्मनाथ यादव एवं सचिव श्री जयप्रकाश वर्मा के नेतृत्व में माननीय श्री कौशलानंद गिरिजी महाराज महंत नाथ बाबा मंदिर रसड़ा जिला बलिया से मुलाकात कर अपनी समस्या से अवगत कराया और माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार के नाम संबोधित पत्र को सौंपा। महंत जी ने पूरा आश्वासन दिया कि आपके पत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी तक भेज के आपके समस्या से अवगत करा दूंगा। धन्यवाद प्रदीप श्रीवास्तव। दोस्तों इसी तरह की एक अपडेट बरेली से भी निकल कर आ रही है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ईपीएस 95 अल्प पेंशनर्स कमेटी बरेली मंडल की ओर से पुराने रोडवेज बस स्टैंड पर दोपहर 12 बजे श्री ए के अरोरा मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली के प्रतिनिधियों ने बड़ी जोरदारी से बैठक में भाग लिया, जिसमें वक्ताओं ने 30 नवंबर के बाद बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता बताते हुए सदस्यों को आह्वान किया। बैठक में कौशल किशोर चतुर्वेदी, ए के अरोरा, सुधीर उपाध्याय, ओपी शर्मा, श्याम स्वरूप, गौहर हुसैन, श्रीराम लांबा, बीएस वर्मा, राजा राम सागर, शिशुपाल सिंह, सतीश मिश्रा, सुनील कंचन आदि ने विचार व्यक्त किए। तो दोस्तों यहां पर ईपीएस 95 पेंशनर्स एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशनर्स की मीटिंग में फैसला लिया गया कि 30 सितंबर के बाद बड़ा आंदोलन किया जाएगा। दोस्तों इस तरह के बहुत सारे आंदोलन पिछले कई सालों से लगातार ईपीएस 95 पेंशनर्स द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। यहाँ तक कि ईपीएस 95 पेंशनर्स का जो संगठन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर चुका है, उन्होंने काफी बड़ा आश्वासन दिया है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई भी फैसला निकल कर नहीं आ रहा। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में आके बता दीजिए आप लोग देश के किस राज्य से ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं और आपको क्या लगता है कि सरकार कब तक आपको आपका हक दे पाएगी। नीचे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको दबाइए ताकि इस तरह का हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।